ये डॉग जो हमारे पास टांडा से आया है, सिद्धार्थ जी ने इसके लिए हमें फोन किया था। इसकी जो पीछे की एक टांग है वो पूरी तरह से कट चुकी है, ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड भी है और बहुत गहरा जख्म है। इसके अलावा इसकी पूरी बॉडी पे मैगेट वुंड्स हैं। स्किन से बस स्किन जुड़ी रही, बाकी सब डिटैच हो गया तो वो दोबारा जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए हम इसकी एम्पुटेशन सर्जरी आज कर रहे हैं। प्लस डॉग बूढ़ा भी है तो कॉम्प्लिकेशंस तो जाहिर की बात है रहेंगी रहेंगी सर्जरी में। लड़ाई मत करो, हमारे बैल ना कभी कभी मतलब एक दूसरे से जेलस हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, क्या किया जाए। मैं फार्म के बैक एरिया में हूँ और मेरे साथ है निखिल और हम जा रहे हैं पीपलशाला। पीपलशाला को तेजवनी चलाती है। कोरोना की वजह से हमारा फार्म भी बंद था और पीपलशाला भी बंद थी। मेरे साथ जो निखिल है, निखिल बहुत ही स्मार्ट बच्चा है। हम थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाते हैं ना, वो एक साथ हम जोड़ते हैं फिर वो हम इंटरनेट पे डालते हैं। निखिल इज स्मार्ट, वी लाइक निखिल। और पीपलशाला के बाहर आते ही हमारा स्वागत किया मो और डिंग डिंग ने, और तेजू वहाँ पे है। हाय डिंग डिंग। लास्ट टाइम जब मैंने ये हॉल देखा था ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता था, यहाँ पे सिर्फ कबाड़ ही कबाड़ पड़ा होता था। तेजविनी और हमारे कुछ वॉलंटियर्स ने मिलके इस स्पेस को बहुत खूबसूरत कर दिया, बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी जगह बना दी जहाँ पे वो पढ़ाई भी करते हैं। आई एम श्योर कि बच्चे भी बेसब्री से वेट करें कि पीपलशाला कब शुरू होगी। आज एक हफ्ते बाद रॉबिन, वेनू और दौलत राम जी बक्सवाहा से वापस लौटे। दौलत राम जी, आप हमारे लिए बक्सवाहा से क्या लाए खाने के लिए? एक तो टाइम नहीं मिला, काम ज्यादा थे तो उसमें बिजी रहे बहुत ज्यादा, ये बहाना है। तरबूज जैसे आया था जब उसको पीनस पे एक मैगेट वुंड था, अब ये पूरी तरह से ठीक हो गया है और करण जी आए हैं हमीरपुर से इसको वापस ले जाने के लिए। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वैसे डिसीजन जल्दबाजी में लिए गए। करण जी पहले तरबूज को यहाँ पे वापस ले आए थे, उनको लग रहा था कि तरबूज अग्रेसिव है क्योंकि वो बीमार था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ट्रीटमेंट के टाइम वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता था, लेकिन अदरवाइज वो सुपर फ्रेंडली है। पर करण जी भी जब यहाँ पे आए उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने अपनी फैमिली से बात की इस बारे में, आज वो उसे वापस लेके जा रहे हैं। जोयो हमारे फार्म की बहुत ही बहादुर डॉगी थी, कुछ दिन से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, उसने खाना तो काफ़ी टाइम से बंद कर दिया था, बहुत थोड़ा बड़ा हम लोग खिला पाते थे उसको। अभी मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे गीला हो जाता था उसका एरिया भी, यूरिन की वजह से भी उसका बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अंदर भी फैल रहा था क्योंकि बहुत रेडनेस हो जाती थी, बहुत स्वेलिंग हो जाती थी वजाइनल एरिया में। 7 मंथ्स तो उसने अच्छे से ही बिताए थे लेकिन धीरे धीरे अब प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और कल शाम उसकी डेथ हो गई। ये बच्चा कल हमारे पास आया है पालमपुर से, इसकी वो माँ थी उसको रेबीज था, इसकी मौत हो गई लेकिन ये बच्चा फिर हमारे पास आ गया और इसको पैर पे फ्रैक्चर है। हम इसकी डेली ड्रेसिंग एंड क्लीनिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स भी इसकी चली हुई है, अभी ये पूरी तरह से खाना खा पी रहा है। जब भी बछड़े हमारे पास आते हैं हम यही होप करते हैं कि इनको इन्फेक्शन ना हो, एक तो उनकी माँ उनके साथ नहीं होती, जिनकी माँ मर गई होती है वो वैसे ही दुखी होते हैं, वी जस्ट होप कि ये सर्वाइव करे। बूंदी एक और बछड़ी थी जो हमारे पास द्रमण से आई थी, कुछ दिनों से उसने खाना पीना बहुत कम कर दिया था, वो बहुत वीक भी हो गई थी। हमने उसे पालमपुर भी भेजा था चेकअप करवाने के लिए और उनके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रीटमेंट भी कर रहे थे, लेकिन सेप्टिक इतना ज़्यादा हो गया था कि वो सर्वाइव नहीं कर पाई। अभी अभी हमारी टीम एक बहुत ही क्यूट रेस्क्यू यहाँ पे लेके आई है। अभिनव जी ने गग्गल से इसके लिए फोन किया था, ये प्यारी सी किटन उनको अबैंडन मिली थी, ये बिन माँ का बच्चा उनको मिला है और मैंने उनको मना कर दिया था क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये सेफ जगह है नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की इसको एक अच्छा कोई सेफ जगह मिल जाए, घर मिल जाए, लेकिन वो उनको मिला नहीं और उनको बाहर जाना था वापस अपने जॉब के लिए। उन्होंने हमें फिर से कॉन्टैक्ट किया और जब मुझे लगा कि और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास तो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा लिया कि जल्दी अडॉप्ट हो जाए, बस इतना ही हम कोशिश कर सकते हैं। आई विश कि मैं भी पीपलशाला के एक पार्ट होती, मेरे को भी यहाँ पे पढ़ाई करने को मिलता। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, हम बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि बच्चों का इमोशनल वेलबींग, उनका मेंटल वेलबींग का भी ख्याल रखा जाए, तो हम उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। धर्मशाला के मौसम की तरह ना राधा दीदी के भी मूड बदलते रहते। अगर ये मुझे इयररिंग्स दे देगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। वो नहीं होगा तो देखो फिर मैं भी नहीं होगी। ये अनकंडीशनल दोस्ती तो नहीं होती ना कि तुम मुझे इयररिंग्स दे दो तो मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। मेरी बैड राधा दीदी। क्या बात है, बहुत दिनों बाद चूचू बाहर आया फाइनली क्योंकि बारिशें बंद हो गई हैं। चूचू मेरे को काटने बताओ यार। और ये है हमारी प्यारी समर और यहाँ चल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन
हैरत अंगेज गाने। आज जो रिलीज हो रहा है वो है हेलमेट। इसको कान पे मैगेट वुंड था, एक महीने तक ये हमारे पास रहा, इसकी ट्रीटमेंट चली और अब ये पूरी तरीके से ठीक हो गया है, इसलिए हम हेलमेट को रिलीज कर रहे हैं। इसी के साथ आज लट्टू जी भी रिलीज हो रहे हैं। इनका एक साइड का जो सींग था वो टूटा हुआ था और इसको आँख में भी इन्फेक्शन था, लेकिन अभी पूरी तरीके से ठीक हो गया है और ये जा रहा है वापस सिद्धबाड़ी। बाहर आना नहीं चाह रहा था, ये नहीं चाह रहा था कि पीपल फार्म को छोड़ के जाए। ओ लट्टू, क्या करें, अगर हमें तुम्हारे जैसे और एनिमल्स की हेल्प करनी है तो तुम्हें तो जाना पड़ेगा ना ब्रो। कोई बात नहीं, वैसे तो यूजुअली जब भी किसी को बाय बोलते हैं, अलविदा बोलते हैं, तो हम कहते हैं फिर मिलेंगे, लेकिन जब हमारे एनिमल्स यहाँ से जा रहे होते हैं, फाइनली रिलीज़ हो रहे होते हैं ठीक होके, तो हम कभी उनको फिर मिलेंगे नहीं बोलते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनको फिर से कभी चोट लगे या उनके साथ कुछ भी बुरा हो, कोई भी एक्सीडेंट हो। हमारे पास एक और प्यारी सी किटन आई है जो कि पालमपुर से आई है। सुनैना जी ने इसको यहाँ पे भेजा है और इसको नर्व डैमेज है। अब इस कैट को हमने यहाँ पे इसलिए शिफ्ट कराया है क्योंकि सिर्फ इसे 10-15 दिन के लिए नर्व डैमेज के लिए सिरप और इंजेक्शन की जरूरत है, जल्दी ये रिलीज हो जाएगी यहाँ से। जून हमारे पास नूरपुर से आई थी, इसको वजाइना पे ट्यूमर था और साथ में इसको मैगेट्स लग गए थे। अभी वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है और अभी हम इसकी स्पेस सर्जरी कर रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे से अडॉप्ट करवा सके। वैसे यूजुअली कहना कि हमारी जो ट्रीटमेंट टीम है वो सर्जरी के टाइम किसी को अलाउ नहीं करती ओटी के अंदर आना, लेकिन क्योंकि अभी सर्जरी स्टार्ट नहीं हुई है तो मैं जल्दी से इस गोप्रो का फायदा उठाते हुए अंदर आ गई। प्रतीक भाई जो हमारे फार्म मैनेजर, वो आए हैं किचन के पास कुछ बहुत ही जबरदस्त चीज लेके, जो कि है चिलीज, मिर्चियाँ, चिलीज। ये पूरा बैग भर के मिर्चियाँ लेके आए हैं। भाई इतनी सारी मिर्चियाँ कैसे खाएंगे हम? आज मिर्ची की सब्जी तो नहीं मिलने वाली है? सब्जी नहीं, चटनी जरूर मिलेगी। भाई ये तीन टाइप की है, ये ऑरेंज हबनेरो, ये अपना लॉन्ग वाली जो चिली रहती है देसी, और ये लिटिल बीक, चोंच मिर्ची भी इसे बोलते हैं। क्योंकि हबनेरो मुझे दिख रही है तो मुझे याद आ रहा है कि हॉट सॉस का शायद सीजन भी आ रहा है, रोबिन बनाएंगे खूब सारी हॉट सॉस। मेरी हालत ख़राब हो जाती है हॉट सॉस खा के। आज मौसम थोड़ा ठंडा है तो इसलिए हेमा और रेखा, ये दोनों प्यारी बच्चियाँ आज ढकी छुपी हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए। ओ हाय, ये अवेलेबल है अडॉप्शन के लिए हमारी वेबसाइट पे। पता नहीं क्या सुरीली की मॉम उसको ढूंढ रही है। नहीं भाई यहाँ तो नहीं है, पीछे वाली साइड दिखी थी हमने। बेटी जी के पास इंस्टाग्राम के आगे ये सोशल मीडिया पे मेरी बेइज्जती करने शुरू हो गई है, कभी मुझे चुड़ैल बोल रही है, कभी मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रही है, तो आज ना मैं फुल ऑन रिवेंज मोड पे हूँ और अब मैं इसे बताती हूँ कि गोप्रो से मैं इसकी बेइज्जती कैसे करती हूँ। हे बेटी, क्या देख रही है, क्या देख रही है मुड़ के? हे बेटी, हे बेटी, दिक्कत क्या है, तुम मेरी बेइज्जती क्यों करते हो, तुम मेरी बेइज्जती क्यों करती हो, बोलो जवाब दो। संजू को ले जाऊंगी मैं यहाँ से। ये जब आई थी तो ये फुल ऑन सहमी हुई सी थी, दुखी थी, इसको पैर पे चोट लगी थी, लेकिन अब देखिए इसका रंग रूप भी बदल गया है और आप चाहें तो आप इसे अडॉप्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। ये प्यारी बच्ची है आईना। आईना हमें देख सकती है पर ये कुछ भी सुन नहीं सकती, ये अबैंडन्ड है और अभी तो इसका इलाज चल रहा है और ये अडॉप्शन के लिए भी अवेलेबल है। गौरव भाई यहाँ पे ब्रूनो के साथ दोस्ती कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि खूंखार से खूंखार डॉग्स जो हमारे पास आते हैं ना, वो गौरव भाई के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आपको अगर बुलडोजर याद होगा, जो याद रखने वाली चीज़ है, ये विशाल का है भाई साहब, जो आए थे मटौर से और इनके गले के आसपास रस्सी बंधी थी, उस वजह से इनको घाव था। आज ये फाइनली रिलीज हो रहे हैं क्योंकि इनका घाव पूरी तरीके से ठीक हो गया है। बुलडोजर क्यूट बहुत है, बुलडोजर। और साहिल भैया का कहना ये है कि ये मारता नहीं है, ये बस डरता है। ओ आप तो सही कह रहे थे। जैसे ये बुलडोजर का सीन है ना कि वो दिखने में तो बहुत डेंजरस है, लेकिन मैंने पिछले 2-3 दिन में ये जाना कि वो खुद बेचारा डर रहा है, जब वो इंसानों को देखता है हम उसे सहलाने की कोशिश करते हैं तो वो खुद पीछे हट जाता है। और जनरली भी हम ऐसे ही करते हैं ना कि हम किसी को सरफेस लेवल पे जज कर लेते कि अरे यार ये डरावना दिख रहा है तो ये डरावना ही होगा, पर ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही किसी को जज कर लेना गलत बात है।